बस आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुने और समझे कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सबसे पहले होती है इंसानियत। आप पहले इंसान बनो। सो व्हाट्सअप बॉयज, दिस इज योर डीपी बॉय दिव्यांशु, और तुम्हारे भाई लेकर आ गया एक और नई बेहतरीन और कड़क वीडियो। यार आज की वीडियो कोई प्रैंक नहीं है, सोशल एक्सपेरिमेंट किया है, तो यार इसे सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह ही लेना। और मतलब यार दिल्ली में चल रहा है ना कि CAA NRC से मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यार क्या हो रहा है यार दिल्ली में, मतलब दिल्ली यार, दिल्ली इंडिया, मतलब दिल्ली यार ऐसी नहीं थी, मतलब ह्यूमैनिटी एकदम ख़त्म कर रहे हैं यार लोग। तो मैंने उसी को ही एक सोशल एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट किया है, और मतलब जो मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा मैंने सोचा था उससे अच्छा ही मिला है, क्योंकि रिएक्शन अच्छा है। तो इसे ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट लेना, तो वीडियो देखो और वीडियो में मज़ा आएगा। मैं आपसे मिलूँगा वीडियो के बाद। हाँ यार नहीं हो रहा है भाई, नहीं यार ब्लड बैंक में मिल ही नहीं रहा है वो पॉजिटिव भाई। नहीं नहीं अबे यार भाई, मैं कम से कम 5-6 हॉस्पिटल में हुआ आया, कहीं भी ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है, मतलब ब्लड बैंक में यार पता नहीं ख़त्म हो गया पता नहीं क्या। नहीं यार भाई मैं भी नहीं दे सकता यार, पता नहीं कह रहे हैं कि 18 साल के नहीं हो, 2 महीने कम है अभी, कह रहे हैं कि 18 साल के नहीं हो तो ब्लड दे नहीं सकते हो। चल देख ले यार, अगर जुगाड़ हो जाए कहीं से यार पैसे दे देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहन के लिए पैसा भाई मैटर नहीं करता भाई, बहन है वो, इकलौती है वो वैसे ही। हाँ चल ठीक है, हाँ देख लियो यार। क्या हो गया? मैंने आपको फोन पे बात करते सुना, आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं यार कुछ नहीं। यू कैन शेयर मी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। यार अभी जो यार ये ना CA और NRC में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, तो यार वहाँ पर मतलब हमारे, मैं ईस्ट दिल्ली में ही रहता हूँ, तो हमारे वहाँ पर यार दंगे हो रहे थे, तो जो प्रोटेस्टर्स थे, तो मेरी मतलब छोटी बहन है वो स्कूल से आ रही थी, 10th क्लास में पढ़ती है, तो वो मतलब उन दंगों के बीच में वो आ गई, मतलब स्कूल से वो आ रही थी वहीं पर ही दंगे होने लगे थे। तो यार मतलब अब मैं, मुझे अभी भी ये दुख हो रहा है कि यार उस बेचारी की क्या गलती थी, उसे मतलब चोट लग गई, उसके सर में इतना बड़ा पत्थर लग गया, तो वहाँ पर ही वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, हॉस्पिटल में है, यहाँ पर GTB हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर रखा है हम लोगों ने। अच्छा नहीं हुआ ये तो यार, यार वही तो, और का करनामा वो क्यों दुखते है? वही तो यार, मतलब चलो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं यार, हिंदू वो मुस्लिम क्या होता है, इंसान होता, हाँ मतलब लोग ह्यूमैनिटी बिल्कुल भूल चुके हैं यार, और उसका उससे कोई लिंक भी नहीं था यार, वो मतलब अपना स्कूल से आ रही थी, और मतलब उस वो अब 10th क्लास की 15 साल की वो बच्ची है, उसे क्या NRC क्या CA क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मैं हिंदू मुस्लिम मैं कहता ही नहीं, मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम मानता ही नहीं हूँ। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मालूम, देखो अगर कभी हिंदू का भी खून बहता है या मुस्लिम का भी खून बहता है, सबका रेड ही रहेगा। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं हिंदू हूँ वैसे और मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो यार मैं वो तो कह रहा हूँ, तो यार मुझे बस मुझे उसका दुख हो रहा है कि यार उस बेचारी की क्या गलती थी यार, अब उससे ब्लड नहीं मिल रहा है। मेरे भाई है हॉस्पिटल में, मैं उनसे बात करती हूँ, पक्का हेल्प मिल जाएगी कोई ना कोई, पूछ लो अगर हो जाए तो। आप बस 2 मिनट रुको, मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ भाई, यार ब्लड का इंतजाम हो सकता है क्या, अभी अर्जेंट है, ओ पॉजिटिव है। हाँ ओ पॉजिटिव है, नहीं सीरियस है, ज़रूरी है ना। हाँ बस समझ लो किसी हेल्प की हो रही है। हाँ ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बात की, इंतज़ाम हो जाएगा, आप चलो अभी, मैंने बात कर ली। अच्छा तो यार मतलब आप परेशान मत हो, बस समझ लेना इंसानियत के नाम से मैंने आपकी हेल्प कर दी। यार वही तो यार, मैं बस
ह्यूमैनिटी मतलब एग्जिस्ट अभी भी करती है, मैं बस यही। बिल्कुल, आप अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। नहीं मैं अभी भी शॉक्ड हूँ यार, क्योंकि मतलब यार बहुत से लोग ह्यूमैनिटी बिल्कुल भूल ही गए हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं। उनका आप मुस्लिम हो मैं हिंदू हूँ, लेकिन सबसे सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि आपने एज अ ह्यूमन बात की, क्योंकि मैं इंसान हूँ सबसे पहले। हाँ। मेरा धर्म पहले इंसानियत है, ना कि हिंदू मुस्लिम। थैंक यू यार, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। वैसे मैं ना मतलब मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब मेरी बहन का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बस अपनी हमारा यूट्यूब पर चैनल है, मैं अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाह रहा था कि मतलब जो CA और NRC का प्रोटेस्ट कर रहे हैं या विरोध या सपोर्ट में, उनकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मैसेज उन तक पहुंचेगा ना, तो हमने वहां पर कैमरा लगा रखा है, एक बार हाई कर दो, आपकी वीडियो यूज कर सकते हैं। मैं बस लोग भी मेरी बात ध्यान से सुने और समझे कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सबसे पहले होते हैं इंसानियत, आप पहले इंसान बनो। मैम ने देखो कितनी सही बात कही है यार, और मतलब लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं यार, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, इंसानियत दिखाओ यार। मतलब अगर कोई मुस्लिम मर रहा है तो आप उसे छोड़कर मत जाओ भाई, वो ह्यूमन है, वो भी वही खाता है जो आप खाते हो, इंडियन है हम यार। मतलब दिल्ली ऐसी नहीं थी पहले, जैसा अब हो रहा है, सबका खून लाल है। हाँ तो थैंक यू यार। थैंक यू, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यूज़र नेम यहाँ आ रहा है, तो जाकर के अभी फॉलो कर लो। और यार मैं यही कहूँगा यार, ये मतलब ख़त्म कर दो यार इन सब दंगों से, यार कुछ नहीं रखा यार, प्रोटेस्ट मत करो भाई। मतलब यार CA NRC यार ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस वीडियो को यार प्लीज़ नेगेटिवली मत लेना, क्योंकि यार इस वीडियो का नेगेटिविटी बिल्कुल भी फैलाने का कोई मोटिव नहीं है, इसे एज अ पॉजिटिव वे में लेना। और यार मैं बस ये दिखाना चाहता था कि यार कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब जो इसमें इंक्लूड नहीं है उन तक को नुकसान हो रहा है यार। और भाई ह्यूमैनिटी पहले दिखाओ यार, हम ह्यूमन है, ना कि मैं हिंदू नहीं हूँ ना मुस्लिम हूँ, मैं ह्यूमन हूँ सबसे पहले, और इंडियन हूँ, तो यार इंडियन बनो, ह्यूमन बनो यार। तो यार बस मैं एक ही मतलब दूंगा यार कि यार मतलब ख़त्म कर दो यार, अब ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, CA NRC का प्रोटेस्ट। तो मैं एक और प्रैंक के साथ आपको मिलूंगा, आज तो प्रैंक हुआ नहीं, तो सोशल एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो टिल देन बाय।